जैसे कि हमने लूप के बारे में बताया था कि हमारे पास दो लूप होते हैं, पहला होता है फोर, दूसरा होता है एच टू। फोर के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट आपका होता है फोर आई और फोर एच, और यहाँ टू में होता है वाई और अंजे। हम इसी लूप को पढ़ने जा रहे हैं तो जैसे कि मान लीजिए कि हमें इनपुट बॉक्स से कुछ इनपुट लेने हैं। मैं मॉड्यूल्स में आता हूं और सब्जेक्ट सर मुझे परमिशन दे देगा, परमिशन नहीं मिली सर। इसको परमिशन चाहिए सर अमित? ठीक है अमित जी, दे दी मैंने। तो यहां पे हमें मैसेज बॉक्स चाहिए होगा, तो इनपुट बॉक्स, तो इनपुट बॉक्स में हमने यहां पे दिया कि m इक्वल टू इनपुट बॉक्स और हमने यहां पे दिया एंटर नेम। पहले चीज की जान लीजिए हमने दिया। अब जैसे कि अगर एक प्ले होता है, अब इसके नीचे और भी कोड हो सकते हैं, लेकिन जब ये प्ले हुआ तो इसमें डेटा एंट्री करेगा और ओके करेगा। अब डेटा एंट्री करना है नहीं करना है तो डिपेंड करता है यूजर के ऊपर, तो बिना एंट्री किए भी कैंसिल कर सकता है या ओके कर सकता है। अब यहीं पे मुझे इसको स्टॉप करना है कि भाई जब तक आप कुछ, जैसे पासवर्ड में होता है ना, जब तक आप करेक्ट पासवर्ड नहीं डाल देते तब तक आपकी लॉगिन पेज आगे नहीं बढ़ती है, वो तो बार बार लॉगिन करने के लिए बोलती है। सेम चीज यहाँ पे, जब तक वो कोई वैल्यू या कोई करेक्ट वैल्यू नहीं डालता है तब तक मेरा एक इनपुट बॉक्स अपीयर होता रहे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इसमें लूप, क्योंकि लूप कैसे लगा, क्योंकि लूप जो है कितना बार में डालेगा इसकी कोई गारंटी तो नहीं ना है क्या? पहले बार में डाल दे और 100 टाइम में या 200 टाइम या 300 टाइम में डाले, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो इसको दो तरीके से किया जा सकता था। एक हम लोग करते थे कि यहाँ पे फोर आई इक्वल टू, चले वन टू, हम यहाँ पे 10,000 डाल देते थे और नेक्स्ट आई, और इसमें कंडीशन देते थे इफ एम इज ग्रेटर देन ब्लैंक then exit loop। मिस्टेक तो नहीं हो रही सर? इसमें हम लूप नहीं करेंगे, इसको फोर करते हैं। हाँ मैं भूल रहा था, और एल्स में हमने दे दिया एम एस जी बॉक्स एंटर नेम। रन करता हूं, ठीक है आपको सर?
जैसे हम कुछ लिख देंगे हट जाता है। एक तरीका तो ये था, लेकिन इसके लिए हमने इसे डिग्राम किया, जुगाड़ किया, तब हुआ। लेकिन इसको सिंपली हम डू व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं, जैसे कि आर आर, हमने ब्रैकेट ओपन क्लोज आर आर वन कर देता हूं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल लेते हैं, हम ऊपर दिया नहीं था, तो आप लोग दे दीजिए आर एज ए, और यहां हम देंगे कि डू व्हाइल R is greater than, sorry, not equal to, not equal to blank, और फिर हमने ये यहाँ पे R equal to input box और यहाँ लिख देंगे enter name। और यहाँ पे loop, अब इससे क्या होगा, जैसे हम इसको प्ले करेंगे, सॉरी ए इक्वल टू होगा, अब जैसे कि इसमें हम ओके करेंगे तो देखिए हटेगा नहीं। ये कब हटेगा, जब इसमें हम कोई नाम या कुछ ऐसा टाइप करेंगे, राइट सर। अब यहां पे ब्लैंक के जगह पे आप अपना कंडीशन डाल सकते हैं, जैसे कि पासवर्ड है, इसमें आप डाल सकते हैं कि 12 हो या 15 हो या 20 हो, ऐसा है आप इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ डू अंटिल की बात करें, अगर आप यहाँ पे डू अंटिल करते हैं तो अपोजिट वाइल का अपोजिट यहाँ पर होता है, ठीक है। डू अंटिल एंड डू वाइल दोनों के, दोनों में कंडीशन अपोजिट होता है। देखिए अब मैं यहाँ इक्वल करता से वर्क नहीं करता, डू वाइल आपने लगाया है तो इक्वल लगेगा, तो जो अंटिल में नॉट इक्वल टू लगेगा, मतलब कि ये अपोजिट कंडीशन है, मतलब कि डू वाइल कब तक काम करेगा, जब तक ब्लैंक है, और डू अंटिल कब तक काम करेगा, जब तक ब्लैंक नहीं है, जैसे ब्लैंक नहीं हुआ ये हट गया, तो अपोजिट कंडीशन लगता है। तो डू वाइल समझ में आ गया आप सभी को? हाँ जी सर। किरण जी आपको ये समझ में आया कि मैसेज बॉक्स को कैसे होल्ड करते हैं, इनपुट बॉक्स को? अब इनपुट बॉक्स में भी कुछ चीजें हैं, जान लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया था, मतलब जो आप इनपुट बॉक्स लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जस्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ये नाम लिखा हुआ होता है। इसमें और चीजें भी किया जा सकता है, क्या, जैसे प्रॉम्प्ट के बाद टाइटल, तो टाइटल में हमने यहां पे डाल दिया नेम इन्वर्टेड कॉमा। अब क्या होगा कि जब ये रन होगा तो यहां आपको नेम दिखेगा ऊपर में, टाइटल आता है डिफॉल्ट वैल्यू, कि भाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, तो यहां पे कॉमा डिफॉल्ट वैल्यू में हमने यहां पे दे दिया नेम, तो डिफॉल्ट वैल्यू हमारा नेम आए। दूसरा इसका पोजीशन, जब इसको आप रन करते हैं यदि नेम आ गया, इसका पोजीशन यहां एच कॉलम पे दिख रहा है, लेकिन आप यहां एक्स वाई जेड करके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं पिक्सल्स में, जैसे 4500x800 हमने कर दिया। अब क्या होगा जब मैं इसको रन करूंगा, अब देखिए ऊपर आ गया नहीं, अब यहां पे अब यहां पे 800 के जगह पे मैं 1800 कर देता हूं, तब क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आया और नीचे लाना है आपको, तो मैं यहां पे 18,000 कर देता हूं, पिक्सल्स के अकॉर्डिंग चलता है 18,000, काफी ज्यादा हो गया, आउट ऑफ स्क्रीन चला गया, मैं यहां पे इसको ज्यादा नहीं 3,000 कर देता हूं, नीचे आ गए,
डी कॉलम पे आ गया ना, तो ए एक्स वाई जेड में इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, जैसे सब्जेक्ट आर आर स्लैश टू करता हूं ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहां पे हम ओ इक्वल टू इनपुट बॉक्स, इसमें अभी भी इसमें इनपुट बॉक्स को डायरेक्ट लगाते हैं, तो यहां एक और होता है एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स, और इसमें आप डाल दीजिए प्रॉम्प्ट प्लीज सेलेक्ट रेंज, टाइटल में रेंज, तो यहां पे क्लोज नहीं किया मैंने, उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू डालना है, डालिए डिफॉल्ट वैल्यू में लिख दिया सिलेक्शन डॉट एड्रेस, लेफ्ट राइट टॉप छोड़ दीजिए, और यहां पे टाइप में मैंने 8 दे दिया। तो 8 देने से क्या होगा कि जब इसको प्ले करेंगे आप, एक ही नाम पे जब इसको आप प्ले करेंगे तो फिर ये इनपुट जो है इनपुट ए नहीं लेगा, रेफरेंस नहीं लेगा, ए लेगा आपको एक एरिया, लग गया सर यहां पे एड करने से। तो जैसे कि आप जैसे बहुत सारे चीजों पे आप लगाते हैं फॉर्मूले बार में से लिया आपने, जैसे कोई फॉर्मूला आप लेते हैं, तो यहाँ पे आपको होता है रेफरेंस को सिलेक्ट करने का ऑप्शन, आप यहाँ टाइप भी कर सकते हो और सिलेक्ट भी कर सकते हो, तो सेम चीज बनाने के लिए आप इसका इस मेथड का यूज कर सकते हो, समझ गए? क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब हम डू वाइल पे वापस आते हैं, जैसे कि इसका यूज और भी होता है आपके पास आपके सिस्टम में, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम ई कॉलम में आ जाते हैं, या हमें डेस्कटॉप पे हमारा एक है डेस्कटॉप में एमएफ फोल्डर है, इसमें बहुत सारे फाइल्स हैं, अब मुझे क्या करना है कि इसमें से फाइल का लिस्ट लेना है कि इसमें से कौन कौन एक्सेल फाइल के लिस्ट कौन कौन से हैं, उसका लिस्ट मुझे निकालना है, या वन बाय वन ओपन करवाना है, या कुछ और भी करवाना है, क्या करें? तो सब्जेक्ट में लिस्ट फाइल का ऑप्शन हमने दिया एल फाइल, और हमने यहाँ पे लगाया यहाँ पे या कि डिम fn the file name as a string, और फिर हमने यहां बोला fn equal to, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है dir function, उसमें आप पूरा पाथ दे दीजिए और फाइल के नेम या एक्सटेंशन दे दीजिए, जैसे हमने दिया डॉट xls और फिर हमने स्टार दे दिया, तो xls x xls m सब मिलेगा, तो और फिर ये बताना होता है कि आपका फाइल टाइप क्या होगा, तो मैंने बोला वीवी नॉर्म, तो ये क्या करेगा कि अपने डीआईआर क्या करेगा इस लोकेशन से सारे एक्सेल फाइल को कैलकुलेट करके निकाल लेगा, लेकिन ये दे रहा है स्ट्रिंग को, अब स्ट्रिंग एक बार में एक ही रेंज को ले पाएगा ना, एक से ज्यादा तो ले नहीं पाएगा, एक से ज्यादा लेने के लिए क्या करेंगे, अब मान लीजिए मुझे अपने एक्सेल सीट पे ही चाहिए, इस पे ही चाहिए, मान लीजिए एक कॉलम पे चाहिए, तो मैं यहां पे दूंगा कि रेंज 65,000 डॉट एन एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट फिर नहीं डॉट नहीं वैल्यू बनना है वैल्यू इक्वल टू एफ, ठीक है,
समझ में आया। अब इसमें क्या होगा, अब एक फाइल का नाम दे देगा, दूसरा फाइल का नाम चाहिए होगा, तो हमें यहाँ पे डी यहाँ पे fn इक्वल टू dir ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना होगा। नीचे नीचे कॉपी पेस्ट किया, तो दूसरा फाइल आएगा। अब देखिए यहां पे एक बार इसको रन करता हूं, इसने दो फाइलों का नाम दे दिया। अब मैं यहां पे इसी को कॉपी किया और नीचे पेस्ट करूं तो तीन फाइलों का नाम अब आपको दे देगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूं ऊपर। अब ये तीन फाइलों का नाम दे देगा। तो जितना बार हम इसको DIR देंगे उतना बार नया फाइल लोड होगा, जितना बार हम देंगे उतना बार नया फाइल इसमें लोड होगा। समझ गया? तो कैसे करें कि हमें नहीं पता कि इस फोल्डर में कितने फाइल होंगे क्या, तो हमने इस लाइन को रिपीट करवाना है ये दोनों लाइन को, लेकिन हमें नहीं पता है स्टार्ट क्या है एंड क्या है। तो हम यहां पे लगाएंगे डू व्हाइल fn इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक और लास्ट में कर देंगे लूप। अब क्या होगा कि जैसे मैं इसको रन करूंगा सारे इस फोल्डर की फाइल लिस्ट आपके सामने, ये हमारा DIR फंक्शन डू व्हाइल लूप के साथ वो इस तरह से वर्क करती है। समझ में आ गया सर? सर डू अंटिल जो है वो उस वो जो है वो एक लिमिट तक चलता है और डू व्हाइल एंड लिमिट तक चलता है, ऐसा कुछ है? कंडीशन अलग अलग है, कुछ नहीं। डू व्हाइल क्या करता है कि एक बार इसको रन कर देता है, सॉरी डू व्हाइल कंडीशन को चेक करता है, रन करता है, डू अंटिल एक बार को रन करता है फिर कंडीशन चेक करता है। बिल्कुल इसकी तरह है जैसे कि आप रोड पे जा रहे हो और लास्ट में आपका ये लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, टोल टैक्स लगा, तो इधर से जब आओगे तो पूरा रोड का सर्विस यूज करके फिर आपसे पैसा लिया जाएगा क्या? लेकिन इस तरह से आओगे तो आपको पहले ही पैसा देना है, तो ये पहले ही चेक करता है और डू अंटिल जो है पहले रन कर देता है फिर चेक करता है। कंडीशन दोनों के अपोजिट होते हैं। ओके ओके, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं सर। इनपुट बॉक्स में समझ में आ गया आपको? यस सर। हाँ किरण जी, कोई डाउट इसमें इनपुट बॉक्स में? अब इसमें इनपुट बॉक्स हो या मैसेज, अब चलिए थोड़ा सा मैसेज बॉक्स के बारे में भी जान लेते हैं। मैसेज बॉक्स आपने देखा होगा कि हमने यूज किया था, तो हमने क्या किया था, हमने किया था यहां पे कि MSG बॉक्स और यहां पे मैसेज लिख दिया है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि कौन से बटन होने चाहिए, क्या होने चाहिए। तो हाय के अलावा कोई मैसेज देने के अलावा कोई और चीज लिखते हैं तो वो चीजें होती है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि जब मैसेज देते हैं तो हमें मल्टी लाइन मैसेज देना है, हमें क्या करना है, मल्टी लाइन मैसेज देना है। तो क्या करेंगे इसके साथ हम, जैसे कि न्यू वीवी न्यू लाइन एड,
वीवी न्यू लाइन, फिर एंड परसेंट किया और लिख दिया बिलो आर क्या होगा कि आप देखेंगे कि ये दो लाइनों में। अब मान लीजिए कि दो लाइनों में है तो यहां इस पे मेरे पास नेम है, सिटी है और मार्क्स है, तो मैं यहां पे शो करना चाहता हूं सेम फॉर्मेट में। इसमें कैसे शो करेंगे? इससे पहले हम लूप लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 2 और फिर नेक्स्ट आई, यहां पे हमने दे दिया फोर जे इक्वल टू चले 1 2 3 D इक्वल टू D के साथ हमने किया वीवी टैग एंड परसेंट सेल्स यहां नीचे हमने कर दिया D इक्वल टू D के साथ कंबाइन हुआ वीवी न्यू लाइन और फिर यहां हम एन परसेंट वीवी न्यू लाइन और इसके साथ हमने D कर दिया। अब देखिए क्या होगा, दिख गया? देखिए थोड़ा सा हट के आ रहा है, इस सीक्वेंस भी नहीं आया। माने के पीछे ने कि हमने यहाँ पे वीवी न्यू टैब लगाया हो, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप जो है यहाँ भी वीवी न्यू टैब कर दें तो ठीक है। अब बात आती है क्या इसी सीक्वेंस में पूरा का पूरा एक रेंज को मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं? चलिए रेंज है हमारे पास 24 रो एंड 8 कॉलम। अब यहां पे हमने दिया कि 4 आई इक्वल टू चले 1 2 24 और फिर यहां पे 4 J चले 1 2 3 4। यहाँ पे D इक्वल टू D के साथ हमने कंबाइन किया वीवी टैब और हमने सेल्स I कॉमा J और यहाँ पे लेकिन D के साथ कंबाइन होके मैं रिप्लेस कर देगा और लास्ट में आप कर दीजिए MSG बॉक्स डी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मैसेज बॉक्स के जरिए मुझे कुछ इंफॉर्मेशन लेना हो तो कैसे लेंगे। उसके लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा, इसे डी इक्वल टू MSG बॉक्स ब्रैकेट में। अब यहां पे ब्रैकेट लगे, इससे पहले कि ब्रैकेट नहीं है बट जैसे ही आप वेरिएबल देते हैं ब्रैकेट देना पड़ेगा। डू यू वांट टू, अब इस
इसमें आता है आपके बटन्स, बहुत सारे बटन्स हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे वीवी के ओके कैंसल, ओके ओनली, क्वेश्चंस, रिट्राई कैंसल, यस एंड नो। तो यस एंड नो को हमने सिलेक्ट कर लिया और टाइटल यहाँ पे दे दीजिए प्ली, यहाँ पे तो कुछ भी दे सकते हैं। तो जैसे आप इस पे प्ले करते हैं, देखिए अब मैं यस पे क्लिक करूंगा तो डी के ऊपर वीवी यस या वीवी नो हो जाए। तो आप आगे से आगे मैसेज दे सकते हैं कि इफ डी इक्वल टू वीवी यस या वीवी ओके या वीवी कैंसल, देन जो आप प्रोसीजर करवाना चाहते हो प्रोसीजर करवा सकते हैं। इसमें एक चीज और भी है कि इसमें प्लस अगर मान लीजिए मैंने किया और प्लस में हमने क्रिटिकल कर दिया यस में, तो क्या होगा कि साइन आएगा, एक साउंड चेंज हो जाएगा। अब क्रिटिकल के जगह पे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस या हम यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इंफॉर्मेशन भी है, तो ये आपका चेंज कर देता है साउंड को भी सिंबल। ये तो ये थी हमारी मैसेज बॉक्स के बारे में। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बाकी चीजें समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, कल की अगली क्लास में हम बात करेंगे इससे आगे की टॉपिक। ओके, गुड नाइट।